होते तब आज वह समस्त ब्रज की जो ब्रज की जो भक्ति आदि ये समस्त अच्छन्न होकर के रह जाते, अतः प्रकाश नहीं होते। इसलिए तो छात्र यदि गौरांग नहीं तो तबे की हो तो केवल धरितम धरितम दे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो के। आचार्य पाद इस प्रकार वर्णन करते हैं, सचिनंदन गौर हरि यदि जगत में प्रकटित नहीं होते, विशेष करके राधा की महिमा यानी भक्ति की चरम सीमा कृष्ण के किस प्रकार आराधना की पद्धति वो समस्त आज प्रकाशित नहीं होते। श्रीमद महाप्रभु और उनके परिकर लोग आकर के यह समस्त के प्रचार किया, विशेष करके चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने प्रिय पात्र रूप गोस्वामी पाद के हृदय में यह समस्त भाव कर प्रकट कर दिया, जिसके जिसे हम लोग अभी अभी श्रवण कर रहे हैं। ये किसको रागानुग भक्ति कहते हैं, किसको वैदिक भक्ति कहते हैं, ये समस्त भक्ति के विशेष तात्पर्य, किसको भक्ति कहते हैं, किसको भक्ति रस कहते हैं, भक्ति के विचार क्या है, ये समस्त सूक्ष्म विचार श्रीमान महाप्रभु गौर सुंदर रूप गोस्वामी के द्वारा जगत में प्रचार कराया। यह रूप गोस्वामी के विशेष अवदान और वैशिष्ट आचार्य पाद कहते हैं। नाम तो सभी कहते हैं किंतु नाम के साथ स्थितिनंदन गौर हरि और उसमें प्रेम देकर के समस्त जगत जीवों के गले में माला के रूप में सुसज्जित कर दिया। इसलिए सचिनंदन गौर हरि केवल नाम करने से ही जब ब्रज प्रेम उदित हो जाएगा ऐसी कोई बात नहीं, जैसे कहते हैं जैसे साधारण रूप में हम लोग श्रवण किया नाम के द्वारा ही सब कुछ हो जाते हैं, किंतु श्रील महाराज जी प्रवचन में स्वयं कहते हैं नाम तो एक अद्वैतवादी नाम करते हैं और एक मुक्तिवादी यानी वो भी नाम करते हैं, कर्मी भी नाम करते हैं, भक्त भी नाम करते हैं, किंतु नाम के विशेष वैशिष्ट क्या है, नाम करने की पद्धति क्या है, इस पद्धति हमारे सचिनंदन गौर हरि रूप गोस्वामी पाद के द्वारा प्रचार कराया। अभी अभी हम लोग श्रवण करते काल श्रीलोक महाराज जी अपने अमृतमय वचन के द्वारा वह हम लोग श्रवण कराया, रूप गोस्वामी पाद पद समृत ग्रंथ में नाम की प्रणाली हम लोग श्रवण कराया कराया जिसका तन्नाम रूप चरितादि सुकृत नाम स्मृतो क्रमेण रसना मनोसि निजतु तिष्ठन व्रजेत तदानुरागी जनानुगामी काल नये अखिल मित्त उपदेश सारम। श्रीमन महापुरुष के परम कृपा पात्र श्रील रूप गोस्वामी पाद उपदेश अमृत ग्रंथ में इसमें नाम प्रणाली नाम की भजन प्रणाली सुंदर रूप में हम लोग को शिक्षा दिया। ये किस प्रकार नाम करना है, नाम करने के समय किस प्रकार कृष्ण के रूप गुण आदि चिंतन करना है यह समस्त शिक्षा दी। इसलिए तम नाम रूप चरितादि सुकृतानु स्मृतो कर्मण रसना मनोची निजतो तिष्ठन व्रजे। और वो भजन प्रणाली किस प्रकार है, तिष्ठन व्रजे ब्रज में निवास करना है, यदि शरीर के द्वारा संभव नहीं हो तो मन के द्वारा अति अवश्य ही ब्रज में वास करना पड़ेगा। तदानुरागी जनानुगामी और तब अनुरागी भक्त के सदा सर्वदा चरण कमल को अनुधावन करना पड़ेगा, जिससे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी पाद कहते हैं किसी को यदि यथार्थ रूप में माधुर्य रस में प्रवेश करना हो तब उनको अवश्य ही तीन नियम का जो है पालन करना पड़ेगा। वह तीन नियम यह है अनारद्ध राधा पदाम्बुज रेणु अनाश्रित बिंद अटवी तत्पदांकम असमस तद्भाव गंभीर चित्ता कुत श्याम सिंधु रसस्ताव का। यदि किसी को यदि श्याम रस यानी माधुर्य सिंगार रस में अवगाहन करना हो तो अति अवश्य ही ये तीन विधि के जो है नियम को पालन करना पड़ेगा। उसके अति अवश्य ही राधा जी के चरण कमल को आश्रय करना पड़ेगा। राधा पदांकित भूमि वृंदावन वह स्थान को आश्रय करना पड़ेगा और रसिक अनुभूति संपन्न महाभागवत के चरण कमल के जब तक आश्रय नहीं करे तब तक संभव नहीं है वह वस्तु की प्राप्ति करना। यह समस्त श्रीमान महाप्रभु के विशेष अवदान और वैशिष्ट दिखाया है? और अभी अभी हम लोग श्रवण कर रहे हैं वैदिक भक्ति और रागानुग भक्ति किस प्रकार प्रवेश करना है, वैदिक भक्ति किसको कहते हैं, राग भक्ति किसको कहते हैं, राग किसको कहते हैं, यह भी हमारे श्रीमान महाप्रभु गौर सुंदर रूप शिक्षा में स्वयं रूप गोस्वामी के बाद इस समस्त शिक्षा आदि दे दिया।
भक्ति के विश्लेषण क्या है, भक्ति किसको कहते हैं, ये समस्त महाप्रभु दिखाए जगत में। सापरानुक्त ईश्वरे, भगवान के प्रति परम अनुरक्त भक्ति कहा गया, सांडिल्य सूत्र में भी कहा गया, और भी कहा था लौकिक वैदिक बाप ही जात्रिय कुनते मुने हरी सेवानों को लेना सा भक्ति रमिच्छते। लौकिक वैदिक जो कुछ भी क्रिया भगवान हरि के लिए किया जाता है उसके भक्ति कहा गया। किंतु श्रीमन महाप्रभु के कृपा पत्र स्वयं श्रीमन महाप्रभु रूप विश्व के हृदय में वो समस्त शक्ति संचार करके भक्ति के एक अवर एक अभिनव रूप दर्शन कराया। संत भी गए और हम लोग के निकट उसको रख दिया, भक्ति के एक सुंदर जो बक्षा व्याख्या यह दिखाया। अन्ना अभिलाषित सुन्न ज्ञान कर्मादि अनाप्रितम अनुकूल कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रूप उत्तमा, यह जो उत्तमा भक्ति के किस प्रकार सुंदर रूप में दिखाया। अन्नाभिलाषिता सुन्न, इसमें बहुत सुंदर व्याख्या आदि जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद श्री जीव गोस्वामी पाद ये समस्त दिखाया। किस प्रकार अन्नाभिलाषिता सुन्न, अन्नाभिलास हम लोग सुन्न नहीं हो सकते है, किन्तु अन्नाभिलाषिता सुन्न समस्त प्रकार के अनाभिला सुन्न होकर के और चित्त किसी प्रकार कर्म ज्ञान योग के द्वारा अनापृत न हो, अपृत नहीं अपृत न हो, यह स्मृत दिखाया। और अनुकूलमयी कृष्णानुशीलन नील नैतज्यमयी, और कृष्ण के कैसे अनुकूलमयी सेवा और कृष्ण के रोजमना वृत्ति उसमें भी दिखाया, और उसमें दिखा करके फिर कहते हैं जहां पर व्यक्ति दोष और व्यक्ति दोष ये समस्त विचार वैशिष्ट यह श्लोक में हमारे आचार्य उपागण असुविस्तृत रूप में दिखाया, जिससे बीच बीच में श्री गुरुदेव के मुखारविंद से हम लोग श्रवण करते हैं। इस वर्ष चैतन्य महाप्रभु के विशेषता दिखाया और दिखाकर वैदिक भक्ति किस वैदिक भक्ति राधिन जन जन भजे सत्य राधाए वैदिक भक्ति बोली तारे सर्वलोके काय। चैतन्य चरितामृत में सनातन शिक्षा में श्रीमन महाप्रभु इस प्रसंग में कहते हैं जिसके शास्त्रीय नहीं हो, जिनके जिसके स्वाभाविक रूप में भगवान के प्रति अनुराग नहीं होते हैं और शास्त्र के विधि लेकर चलते हैं उसके वैदिक भक्ति कहा जाता है। उस वैदिक भक्ति के वैदिक भक्ति जो पालन करने वाले वो कहां तक पहुंचते हैं, वैकुंठ तक पहुंचते हैं। और राग भक्ति किसको कहते हैं, राग शब्द के अर्थ के तात्पर्य कहते हैं चित्त रंजकता इति राग। भक्तिविनोद ठाकुर जैन धर्म में राग शब्द के शब्द के परिभाषा देखते हैं जहां पर चित्त के रंजकता आ जाते हैं, जिसका कहते हैं जैसे हमारी इंद्रिया जो है चक्षु कर्ण नासिका इहा त्वचा, ये पंच इंद्रिया स्वाभाविक रूप में पंच तन्मात्रा में अपने आप चले जाते हैं, जिस पर हमारे आप कहां चले जाते हैं जहां पर सुंदर रूप है ये स्वाभाविकता चले जाते। उसी प्रकार कहते हैं राग किसे कहते हैं, जत्र जहां पर स्वाभाविक रूप में भगवान के प्रति हमारे ऐसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं कोई विधि निषेध नहीं देते, शास्त्र निषेध नहीं देख करके स्वाभाविक रूप में हृदय भगवान के प्रति लोभ हो जाते हैं, वह रूप गुण कथा श्रवण आदि चित्त में स्वाभाविक रूप में चित्त जाते हैं उसके कहा जाते हैं राग कहा जाते हैं। इसलिए राग के कोई प्रागात्मिका भक्ति के बारे में कहते हैं, कहते इष्टे सरस राग परम अदृश्यता भवे तन्मय भवे दोषा रागात्मिका गुणिता रागात्मिका अनुष्ठिता जैसा रागानुगा उच्चते विराजंती अभिव्यक्तम ब्रजवासी जनादिशु। यह ब्रजवासी जन यानी कृष्ण के नित्य परिकर जो जन होते हैं उनका था राधा ललिता विशाखा आदि नंद जसोदा सुगर सिद्धांत, ऐसे कृष्ण के नित्य परिकर के हृदय में एक स्वाभाविक और प्रेममयी कृष्णा रहता है। वह प्रेममयी कृष्णा सेवा की ऐसे प्रेममयी कृष्णा रहते हैं, संत देव सख वात्सल्य और माधुर्यमय ऐसे प्रेममयी कृष्णा रहते हैं, स्वाभाविक रूप में कृष्ण की सेवा की भावना रहते हैं। और इस समय परम अभिश्रुता भवे 24 घंटे में 24 घंटे वो लोग कृष्ण सेवा में वो तन्मय होकर के रहते हैं। इसलिए इष्टे सरसी राग परम अभिश्रुता भवे तन्मय तो भवे दोस्ता रागात्मिका तो दिता, ऐसे नित्य परि कृष्ण के नित्य परिकर जन के कहता है रागात्मिक जन। वह रागात्मिक जनों के भाव की कौन कोना प्राप्ति करने के लिए जब साधक साधन भजन करते हैं और उसे कहते हैं रागानुग जन कहा जाता है, राग के अनुभव होकर जो भजन करते हैं उसके रागानुग का भजन कहा जाता है। ये समस्त विचार श्रीमन महाप्रभु
जगत जीवों के निकट प्रकाशित कर दिया। सिमर महाप्रभु यह हमारे और कहते हैं भक्ति और भक्ति रस, इसके विचार भी थोड़ा बहुत करके मैं वक्त मुझे समाप्त करता हूँ, 15 मिनट हो चुका है सर मुझे पता नहीं। सो इसी प्रकार सिमर महाप्रभु के पहले जितने भी आचार्य जो आए हैं भक्ति के बारे में विचार किया, किंतु सिमर महाप्रभु गौर सुंदर भक्ति रस के ऊपर में विचार और विमर्श करके हम लोग को दिखाया। अर्थात इसमें रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में यह संदर्भ में सुंदर रूप में विचार विश्लेषण करते हैं। पहले स्थायी भाव और स्थायी भाव के ऊपर जब चार प्रकार के सामग्री होते हैं तब उसके कहा है भक्ति रस कहा जाता है। अर्थात विभाव अनुभव सात्विक व्यभिचारी सामग्री मिलने है तो रसालो चैतन्य चैतन्य तुम्हें कृष्णदास कविराज वर्णन करते हैं। वह जो साईभाव के ऊपर ये चार प्रकार के सामग्री अर्थात विभाव अनुभव सात्विक और व्यभिचारी जो सम्मिलित होते हैं तब कहा जाता है रस कहा जाता है। इसलिए प्रकार के शांत रस दास रस सख्त रस वात्सल रस एवं माधुर्य रस पांच प्रकार के जो मुख्य रस किस प्रकार साधक के हृदय में उदित होता है यह समस्त मेरे रूप गोस्वामी पाद भक्ति रस समृद्ध सिंधु उज्जलिनी उज्जलिनी ग्रंथ में इसको वर्णन किया। और यही भक्ति रस को फिर पुनः आस्वादन करने के लिए श्री महाराज जी हम लोग बार बार श्रवण कराया केवल रूप गोस्वामी पाद के पास जाने नहीं होगा, आपको रघुनाथ दास को उसके चरण कमल को आश्रय करना पड़ेगा। इसलिए नौतम दास ठाकुर कहते हैं आर कवि निकाई चंदेर करुणा होइबे संसार बासना मोर कवे तुच्छ होवे विषय छाड़िया तबे शुद्ध होवे मन तबे हम हेरब श्री वृंदाव रूप रघुनाथ पदे होइबे आकृति कबे हम बुझब से जुगल प्रीति। रूप और रघुनाथ दास गोस्वामी पाद अपने ग्रंथ में ये समस्त प्रपोरेशन अर्थात रेशियो दिखाया कितने परिमाण वह सामग्री के लेकर के और रस उत्पन्न होता है वह समस्त अपने ग्रंथ में ये समस्त दिखाया। इसलिए कहा जैसे महाराज जी जैसे उदाहरण देते हैं महाराज जी के वचन को मैं अपने ऊपर प्रस्तुत करता हूँ। जैसे किसी को शरबत बनाना है तो शरबत बनाने के लिए पानी चाहिए, नींबू चाहिए, चीनी चाहिए, कपूर चाहिए और काली मिर्च भी चाहिए। यह समस्त सामग्री तो दे दिया गया किंतु यदि वह सामग्री के यदि आप प्रपोर्शन यदि नहीं जानते हैं और अच्छी तरफ से आप शरबत बना नहीं सकते हैं तो इसी प्रकार हमारे रूप गोस्वामी पाद इस समस्त इंग्रेडिएंट्स जितने प्रकार के सामग्री की तो परिभाषा और सामग्री कैसे एकत्रित किया जाए सब तो दे दिया किंतु रघुनाथ दास गोस्वामी पाद अपने विलाप पुष्पांजलि आदि ग्रंथ में और ग्रंथ में यह सामग्री के मिलन कैसे होती है यह समस्त दिखाया। ये समस्त चैतन्य महाप्रभु रूप और रघुनाथ के हृदय में ये समस्त भक्ति संचार करके जीव को दिखाया। और फिर आगे जाते थे कैसे कैसे माधुर्य भक्ति में प्रवेश करना है ये समस्त भी दिखाया। अधिक मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, यही करके अपने वक्तव्य को मैं समाप्त करता हूँ। गुरु वैष्णव मुझे कृपा आशीर्वाद करें जन्म जन्मांतर में उनके सेवा परिचा दिखा। एक बात समझो, हरिदास ठाकुर जी नामाचार्य हैं, 3 लाख अपकित नाम करते हैं, कुछ जोर से ऊंचा मन ही मन में कुछ धीरे धीरे। और रूप सनातन इत्यादि 6 गोस्वामी ये लोग भी नाम करते हैं संख्या पूर्वक नाम का, किंतु ये नहीं लिखा ये कितना करते हैं, 2 लाख करते हैं कि 3 लाख करते हैं कि 1 लाख। विशेष करके रूप रघुनाथ इत्यादि के लिए स्वरूप दामोदर के लिए ये समझो हरिनाम आरंभ किया और लीला की स्फूर्ति हो गई, बस एक नाम नहीं किया सारा दिन भाव में विधोर रहे थे। नाम कीर्तन उनका संख्या पूर्वक तो 3 लाख की 2 लाख की 1 लाख की 1 की 10 भी नहीं हुआ, कौन श्रेष्ठ नाम है।
हरिदास ठाकुर जी ब्रह्मा और प्रहलाद के अवतार हैं ना, ब्रह्मा जी के अवतार हैं। और रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर, कोई ललिता जी के, कोई रूपमंजरी रति मंजरी, नाम किसका वैशिष्ट्यपूर्ण हो इस चीज को समझो। हरिदास ठाकुर जी जगन्नाथपुरी में विराजमान थे, किंतु प्रद्युम्न ब्रह्मचारी जी को हरि कथा सुनना चाहते थे महाप्रभु से, उन्होंने कहा जाओ राय रामानंद से। हरिदास ठाकुर तो थे 3 लाख नाम करने वाले, उनके पास में क्यों नहीं भेजा, भेजा कहां? और वो भी जाकर के मति भ्रम हो गए, देवदासियों का अपने अंगों से नग्न होकर के मार्जन कर रहे थे। जब सुना तो लौट करके आए, महाप्रभु जी ने हरि कथा सुना नहीं तो समझ गए जाओ मेरे आदेश से राय रामानंद को जाकर के निवेदन करना कि महाप्रभु जी ने हमको भेजा है आपसे हरि कथा सुनने के लिए, कुछ हरि कथा सुनाओ। फिर गए दूसरे दिन, तब उन्होंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा क्या कथा सुनना चाहते हो? तो आपने जो चैतन्य महाप्रभु को कथा सुनाई थी वही, और तब उनको जब सुनाया हरि कथा मुक्त हो गए, तब समझा राय रामानंद की महिमा। इसलिए राय रामानंद ये विशाखा सखी के अवतार, रूप गोस्वामी रूप मंजरी थे, कोई लवंग मंजरी, कोई रति मंजरी, इनका नाम कैसे उत्पन्न होता है भाव से, इनका नाम बहुत उच्च कोटि का है, इस चीज को समझना अच्छी तरह से। अभी आपने ओम ज्ञानतिमिरान्तस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। Srila Gurudev is explaining the superior position of Srila Rupa Goswami and various associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu in relation to Srila Namacharya Haridas Thakur. So Sri Chaitanya Mahaprabhu, he gave this title, Nam Acharya, to Srila Haridas Thakur because he was showing the example of chanting 3 lakhs daily of Harinam Mahamantra. Every single day without fail, he was chanting. And we understand that he is also an incarnation of Lord Brahmaji and also partial incarnation of Prahlad Maharaj, with the mood of Prahlad Maharaj. So we know from Shastra that he was chanting in this way regularly, but yet we do not hear how many rounds of Harinam were Sri Rupa, Sri Sanatan and the other Goswamis, how many they were chanting daily. It is not stated in Shastra. The question here is, whose position is superior? Namacharya Srila Haridas Thakur's position, because he was chanting 3 lakhs of Harinam, or Srila Rupa Goswami, Sanatan Goswami, who is it? It is not known how much Harinam they were chanting. But Srila Gurudev is pointing out that Srila Rupa Goswami's chanting of Harinam, what kind of chanting was it? His chanting was on such a high level that even if he would simply chant Hare Krishna, simply one name, Hare Krishna,
he would go so deep in absorption in the leelas of Radha and Krishna, and he would even faint as a result of this. So how much higher is his position? Also from the transcendental viewpoint of his eternal position in the relationship with Radha and Krishna, who is Rupa Goswami? Rupa Goswami is personal maidservant of Srimati Radhika, Sri Rupa Manjari, leader of all the maidservants of Srimati Radhika. So, in Jagannath Puri also, Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Pradyumna Brahmachari, wanted to hear Harikatha. So Sri Chaitanya Mahaprabhu sent him to Ramananda Roy. Ramananda Roy's position, he was training the Devadasis of Lord Jagannath. The Devadasis, they are only dancing for the pleasure of Lord Jagannath. They never become married, and they are completely absorbed in dancing and singing for his pleasure. So Sri Ramananda Roy, he had composed his own dramas, and he was training the Devi Dasis how to sing, how to dance, how to decorate their bodies. Even he was cleansing their bodies with his own hands. And when Pradyumna Mishra came there and he saw Ramananda Roy doing such, his mind had some doubt. What is this? It appears like he is some kind of materialistic person attached to sense gratification, associating so intimately with ladies. And later on, Chaitanya Mahaprabhu asked him, did you hear Harikatha from Ramananda Roy? And he expressed his doubt that when he went there, he saw these things. So Chaitanya Mahaprabhu told him to go to return there and to question Ramananda Roy. And when he again returned there, and he recited one shloka, there is one shloka, which shloka was that? Yeah, he recited one shloka from Srimad Bhagavatam to Ramananda Roy, and he requested him to reveal the meaning of this shloka. And when Ramananda Roy heard this shloka, he became so absorbed in the moods of which were expressed in this shloka, and Ramananda Roy began to speak and to glorify and to narrate the transcendental name, form, qualities, pastimes of Krishna in Braja for many, many hours. And at the end of this time, he was thanking Pradyumna Mishra so much that he had come and given him this opportunity to glorify Krishna. So in this way, Pradyumna Mishra, he realized the greatness of Ramananda Roy, although he had doubted his position. But Chaitanya Mahaprabhu, he had not given instructions that he should go to hear from Namacharya Haridas Thakur. So the position of Chaitanya Mahaprabhu's eternal associates, his antaranga bhaktas, like Swarup Damodar Goswami, Roy Ramananda, Rupa Goswami and such, they are the most exalted of any of the associates of Chaitanya Mahaprabhu. And in this way, we understand their glories. Because Chaitanya Mahaprabhu, out of his mercy, he descended from the highest position in the transcendental world, and he brought with him his eternal associates. They descended within this world, the intimate associates of Radha and Krishna, to assist his mission. Therefore, their glorious position is supreme above all. प्रपुज्य चरण नित्य लीला प्रविष्ट